प्रदेश कार्यालय में फिर बैठक शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद मौजूद हैं। दिल्ली से लौटकर सीधे भाजपा ऑफिस पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। देर रात तक जारी हो सकती है भाजपा की महापौर उम्मीदवारों की सूची। संगठन नेताओं के साथ मंथन जारी है। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और संगठन महामंत्री के साथ ये बैठक चल रही है। तो जैसे कि आज दिन भर से मीडिया में खबरें थी कि आज देर रात लिस्ट आ सकती है महापौर कैंडिडेट्स की, बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार रहेंगे उनकी सूची आ सकती है, और इसके संकेत फिलहाल मिल रहे हैं वो इसलिए कहा जा सकता है कि एक और मंथन चल रहा है और दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से बैठक में शामिल हो गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। अनुराग, एक और बैठक हो रही है और इसके बाद सूची सामने आ सकती है सभी की, जिसका सबको इंतजार है। निश्चित रूप से अगर हम देखें तो बिल्कुल ये अब माना जा सकता है कि देर रात तक की सूची आ सकती है। लगातार मंथन हो रहा है और हमने देखा कि मुख्यमंत्री किस तरह से दिल्ली में रहे और दिल्ली से सीधे जो है वो बीजेपी ऑफिस पहुंच गए हैं स्टेट हैंगर से, और फिर से एक बार मंथन शुरू हो गया है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो तमाम बातें लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री दिल्ली में भी कुछ चर्चा करेंगे, तो जो अगर थोड़ी बहुत उलझने होंगी उनको लेकर जरूर बात हुई होगी, लेकिन निर्णय भोपाल में ही होने जा रहा है जैसा कि हमने लगातार खबरें भी दिखाई थी। और अब ये भी माना जा रहा है कि इंतजार भी खत्म हो सकता है क्योंकि सूची बहुत जल्द आ सकती है, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है जिस तरह से अचानक से ये बैठक शुरू हुई है। जी बिल्कुल अनुराग, और मुझे लगता है कि लगभग 7 से 8 ऐसी नगर निगम के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन ज़्यादा हो रहा है जहां दरअसल ज़्यादा पेज फंसा था, बाकी तो लगभग 8 लोगों के नाम आ चुके थे सामने। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये मंथन हो रहा था ये बहुत स्पष्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा सा ही मंथन बचा है लगातार, और स्थितियां जिस तरह की बन रही है उससे ये भी बहुत स्पष्ट है कि सूची आने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। कुछ नामों को लेकर जो थोड़ी सी उलझन है अभी भी माना जा रहा है कि जैसे ग्वालियर की बात करें या फिर हम इंदौर की बात करें, यहाँ पर कहीं ना कहीं नाम हो सकता है कि रुके और पहली सूची में नाम जो है वो एक दर्जन नाम, 10 से 12 नाम हो सकते हैं, लेकिन दूसरी सूची की अगर हम बात करते हैं तो वो बच जाएगी और 2 या 3 4 नामों की वो सूची हो सकती है, पर देर रात तक के लगभग एक दर्जन नामों की पहली सूची आने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, राय मशवरा करने के बाद मुख्यमंत्री लौटे हैं, भले ही कुछ भी राय मशवरा हुआ है इस विषय पर थोड़ा बहुत ही, लेकिन जो तय होना है वो तो भोपाल से ही होना है, और जिस पर सूची अब से कुछ देर के बाद या देर रात आ सकती है इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक बार फिर से बैठक शुरू हो गई है और 16 नगर निगमों के लिए बीजेपी की तरफ से महापौर कैंडिडेट के जो उम्मीदवार हैं दरअसल उनके नामों की लिस्ट का इंतज़ार सभी को है और वो सूची देर रात तक जारी हो सकती है। भले ही जिस तरह से अनुराग कह रहे थे कि हो सकता है कि लगभग एक दर्जन, चूंकि 16 नगर निगम हैं तो एक दर्जन ही सही, जहां पेज फंसा है उसमें कुछ नाम बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस तरह की पूरी संभावना कि देर रात सूची जारी हो सकती है, कैंडिडेट्स की लिस्ट आ सकती है सामने कि कौन कौन महापौर का उम्मीदवार होगा बीजेपी की तरफ से। नेशनल